हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेड स्क्वायर क्लासेस। रखे आपको सबसे आगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपकी हर एक क्वेरी का समाधान इस यूट्यूब चैनल जेड स्क्वायर क्लासेस पे किया जाता है, और मैं किसी ना किसी तरीके से आपके जो भी क्वेरीज हैं उनका रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ, चाहे वो पर्सनली मैसेज के थ्रू हो या फिर वीडियो बनाकर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में भी हम अपने ही चैनल के एक सब्सक्राइबर हैं अश्विनी कुमार जी, इन्होंने कमेंट करके एक क्वेश्चन पूछा था जिसका रिप्लाई पर्सनली कमेंट करके देना मैंने उचित नहीं समझा, क्योंकि इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था वो बहुत सारे कैंडिडेट के मन में चलता होगा, इसीलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो ही क्यों ना बना दिया जाए, जिससे कि सभी का ये डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इसी तरह के यूजफुल वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अश्विनी कुमार जी का क्वेश्चन ये था कि सर, क्या एक जज के अंडर में एक से ज़्यादा स्टेनो काम करते हैं, या फिर एक जज के अंडर में सिर्फ एक ही स्टेनो काम करता है, और यदि जज के अंडर में सिर्फ एक ही स्टेनो काम करता है तो जब स्टेनो छुट्टी पर जाता है तो फिर जज साहब का काम कौन करता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। दोस्तों, इनके पहले क्वेश्चन कि एक जज के अंडर में कितने स्टेनो काम करते हैं, तो इसका आंसर ये है कि प्रत्येक जिला न्यायालय के अंतर्गत जितने भी न्यायालय होते हैं उन सभी न्यायालयों में सिर्फ एक जज के अंडर में एक ही स्टेनो अलॉट किया जाता है। किसी भी परिस्थिति में एक न्यायालय में, एक ही न्यायालय में दो स्टेनो की नियुक्ति नहीं हो सकती। ठीक है ना, तो ये 100% फैक्ट बात है और ये बिल्कुल सच बात है, किसी भी परिस्थिति में दो स्टेनो नहीं आ सकते एक ही कोर्ट में। ठीक, तो दोस्तों आप सभी को पहले क्वेश्चन का आंसर तो मिल ही गया होगा। अब बढ़ते हैं अश्विनी कुमार जी के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो इनका सेकंड क्वेश्चन ये था कि सर, यदि न्यायालय में एक ही स्टेनो की नियुक्ति होती है तो फिर स्टेनो को छुट्टी कैसे मिल पाती होगी, क्या जज साहब छुट्टी पर जाते हैं सिर्फ तभी स्टेनो को छुट्टी दी जाती है, या फिर कोई और तरीका है जिसके तहत स्टेनो को छुट्टी दी जाती है। तो चलिए आपके इन सारे प्रश्नों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जज साहब के छुट्टी पर जाने से स्टेनो को कोई लेना देना नहीं है, और ना ही स्टेनो के जाने से छुट्टी पर जज साहब का कोई लेना देना है। ठीक है ना, तो स्टेनोग्राफर जब चाहे छुट्टियां ले सकता है, और ये छुट्टियां उसे जितनी भी अलॉटेड छुट्टी होंगी उनमें से लेनी होती हैं। दोस्तों, यदि आपको ये पता करना है कि स्टेनोग्राफर को कितने प्रकार की छुट्टियां मिलती हैं, और तो आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी में जा कर के स्टेनोग्राफर जॉब प्रोफाइल वाले वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, उस वीडियो में मैंने स्टेनोग्राफर की जॉब प्रोफाइल के बारे में सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया है, जैसे कि स्टेनोग्राफर का वर्किंग नेचर कैसा होता है, कितना वर्कलोड रहता है, क्या पावर्स हैं उसके पास, क्या लीव्स हैं, कितनी लीव्स हैं, कितने प्रमोशन हैं, किस तरीके से प्रमोशन है, ड्रेस कोड क्या है, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। ठीक है ना, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इन सब बातों से एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई कि स्टेनो जब चाहे तब अपनी अलॉटेड छुट्टियों में से अपने लिए छुट्टी ले सकता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि यदि स्टेनोग्राफर छुट्टी पर चला जाएगा तो क्या जज साहब काम करना बंद कर देंगे, तो दोस्तों इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। ठीक दोस्तों, उन्हें प्रतिदिन जितनी पत्रावलियों पर निर्णय करना होगा, हो सकता है उनके द्वारा उनमें थोड़ी सी कमी कर दी जाए, लेकिन जज साहब स्टेनो की छुट्टी के दौरान काम को पूर्णतः बंद कर देंगे, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं कि वो बिल्कुल काम नहीं करेंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत कम करें, और ये भी हो सकता है कि उन्हें प्रतिदिन जितनी भी पत्तावलियों पर आदेश करना है वे सब पे फैसला सुना दें, और बाद में जब स्टेनोग्राफर आ जाएगा अपने, तो अपने सारे जितने भी ऑर्डर्स उन्होंने करे हैं उनको स्टेनो द्वारा टाइप करवा लेंगे वो। ठीक है ना, या फिर एक और चीज़, यदि कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण पत्रावली है और उस पर सुनवाई करके तत्काल आदेश संलग्न करना है,
तो फिर जज साहब अपने विवेकानुसार किसी दूसरे न्यायालय के स्टेनो को भी ऑर्डर टाइप करवाने के लिए अपने यहाँ बुला सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से स्टेनो को छुट्टी पर जाने पर भी न्यायालय का कार्य सुचारू रूप से चलता रहता है। तो आई होप अश्विनी कुमार जी, आपका डाउट क्लियर करने में मैं सफल हो गया हूँगा। दोस्तों यदि आपकी भी कोई क्वेरी है तो कमेंट करें, मैं आपके हर क्वेरी का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इसी तरह के यूजफुल वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।